तो यारों, अगर आपने मार्वल की मूवीज देखी है तो आपने एक ना एक बार तो ये जरूर सोचा होगा कि कितना मजा आए अगर हम रियल लाइफ में हल्क जैसे बन सके। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि क्या रियल लाइफ में हल्क जैसा बनना पॉसिबल है। तो गाइस, मैं हूँ अपना फ्रेंड, यू आर वॉचिंग अपना का अनुभव। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यारों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या चीज हुई थी ब्रूस बैनर के साथ कॉमिक्स में जिसकी वजह से वो हल्क बना। तो अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें हमें ये दिखाया था कि ब्रूस बैनर जो कि गामा रेडिएशन के संपर्क में आ गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर में जितने भी सेल्स थे उसके अंदर जो डीएनए था वो इतनी जल्दी तरीके से इवॉल्व हुआ और डीएनए में इतनी ज्यादा एडिटिंग हुई जिसकी वजह से उसके शरीर में सारी बोन्स और मसल्स इतनी तेजी से फॉर्म होने लगे जिसकी मदद से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि हल्क जैसा बनना पॉसिबल तो है, लेकिन उसके लिए आपको काफी रिस्क लेना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी में और भी चेंजेस हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गामा रेडिएशन में अगर हम किसी भी चीज को एक्सपोज करेंगे तो उससे हमारे शरीर पर क्या क्या असर हो सकता है। तो अगर मैं पहली चीज की बात करूं तो वो तो ये होगा कि या तो अगर आपके शरीर पर गामा रेडिएशन अच्छे से वर्क कर गया तो हो सकता है कि आप हल्क जैसे ट्रांसफॉर्म हो जाओ, लेकिन अगर आपके शरीर पर गामा रेडिएशन का असर ढंग से नहीं हुआ और अगर आपके जो डीएनए है उनके बीच की एडिटिंग में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो फिर आपके शरीर में काफी ज्यादा बुरे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको कैंसर भी हो सकता है और उसके साथ साथ आपके शरीर के पार्ट्स भी गायब हो सकते हैं। लेकिन अब हमारी साइंस इतनी ज्यादा एडवांस होने लगी है कि वो किसी भी इंसान के डीएनए को चेंज कर सके, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा कि हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो काफी ज्यादा नाजुक होता है, इसलिए अगर हम उसमें कोई भी एडिटिंग करते हैं तो उसके गारंटी नहीं है कि हमें अच्छे परिणाम ही मिले। और अगर हम ब्रूस बैनर के केस की बात करें तो उसमें हमें साफ साफ ये दिखाया गया था कि गामा रेडिएशन की वजह से अब वो कभी भी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और कभी भी ह्यूमन बन सकता है। तो अगर मैं इस चीज की बात करूँ तो वो तो गाइस अभी के टाइम पे हमारे बॉडी में पॉसिबल होना मुश्किल ही है, क्योंकि पहली चीज डीएनए का इतनी जल्दी जल्दी चेंज होना और उसके साथ साथ उसका हमारी बॉडी पे इतना ज्यादा इफेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि अगर हम किसी भी डीएनए को चेंज करते हैं तो फिर उसे वापस से रीग्रो होने में या फिर उसको ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम हल्क के केस की बात करें तो उसमें हम इतनी जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे कि एकदम से हम इंसान बन गए और एकदम से हम हल्क बन गए, लेकिन अगर हमें ये चीज काफी ज्यादा तेजी से करनी होगी तो हमें जरूरत पड़ेगी कैंसर की। हाँ गाइस, हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसमें कैंसर की, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि कैंसर के सेल काफी तेजी से रेप्लिकेट करते हैं और इसी वजह से कैंसर के सेल्स हमें काफी तेजी से फॉर्म कर सकेंगे हल्क में और दोबारा से नॉर्मल ह्यूमन में। तो गाइस, ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें हल्क बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।